गुड मॉर्निंग क्लास थ्री। चलिए हिंदी की बुक सृष्टि, हिंदी पाठमाला और हिंदी की कॉपी निकालिए, उसे खोलिए। हिंदी की बुक निकाल के उसे खोलिए। हिंदी की बुक में मैंने आपको पाठ 11 पर्यावरण पढ़ाया था, इसकी रीडिंग लगवाई थी। मैंने आपको कहा था कि आप भी इसे घर पे पढ़िएगा। अब चलिए इसके अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। शब्द अर्थ मैंने कहा था अपनी कॉपी में लिख लेने के लिए, आप लोग लिखा होगा, इसे याद भी किया है। अब आइए अभ्यास प्रश्न पे। मौखिक, मयंक और विनय क्या करते हुए जा रहे थे? तो मयंक और विनय क्या करते हुए जा रहे थे? मयंक और विनय पेड़ को उखाड़ रहे थे, पेड़ से पत्ती तोड़ रहे थे और नदी में पत्थर फेंकते हुए जा रहे थे। दोनों डर कर क्यों रुक गए? क्योंकि उनको एक आवाज़ आई, रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? जिससे सुनकर वो डर के रुक गए। उस अनजान ने अपना परिचय किस प्रकार दिया? उस अनजान ने कहा, तुम पेड़ को उखाड़ते हो, पौधे तोड़ते हो, पानी में पत्थर फेंकते हो, मुझे नहीं पहचाना, मैं पर्यावरण हूँ। कोई भी चीज़ घातक तब हो जाती है वह ज़रूरत से ज़्यादा हो या ज़रूरत से कम हो। अब आइए लिखित प्रश्न पर। लिखित प्रश्न लिखने के लिए आप लोग अपने कॉपी निकाल लिए, उसे खोलिए। कॉपी निकाल लिए, खोल के उसके ऊपर हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, सब जगह पानी ही पानी हो जाए तो क्या होगा? उत्तर, सब जगह पानी ही पानी हो जाए तो बाढ़ आ जाएगी और सब कुछ पानी में डूब कर समाप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, यदि सब जगह पेड़ पौधे हो जाए तो क्या होगा? अगर सब जगह पेड़ पौधे हो तो क्या हो जाएगा? उत्तर, यदि सब जगह पेड़ पौधे हो जाए तो धरती जंगल बन जाएगी और जंगल में रहना कठिन होगा। प्रश्न नंबर 3, मयंक और विनय क्या सुनकर खुश हो गए? तो उत्तर में लिखेंगे, मयंक और विनय यह सुनकर खुश हुए कि हमारी धरती पर संतुलन बना रहता है। प्रश्न नंबर 4, पर्यावरण मनुष्य जाति से दोस्ती करना क्यों चाहता है? उत्तर, पर्यावरण मनुष्य जाति से दोस्ती इसलिए करना चाहता है क्योंकि वह हरा भरा रहकर हमारी सेवा कर सके। तो ये हमारा प्रश्न उत्तर था जो मैंने आपको करवा दिया है, आप इसे कीजिएगा अच्छी अच्छी राइटिंग अपनी कॉपी पे। आइए अब मैं फिर से आपको पढ़ के बताती हूँ। प्रश्न नंबर 1, सब जगह पानी ही पानी हो जाए तो क्या होगा? उत्तर, सब जगह पानी ही पानी हो जाए तो बाढ़ आ जाएगी और सब कुछ पानी में डूब कर समाप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, यदि सब जगह पेड़ पौधे हो जाए तो क्या होगा? उत्तर, यदि सब जगह पेड़ पौधे हो जाए तो धरती जंगल बन जाएगी और जंगल में रहना कठिन होगा। प्रश्न नंबर 3, मयंक और विनय क्या सुनकर खुश हो गए? उत्तर, मयंक और विनय यह सुनकर खुश हुए कि हमारी धरती पर संतुलन बना रहता है, पर्यावरण मनुष्य जाति से दोस्ती क्यों करना चाहता है? उत्तर, पर्यावरण मनुष्य जाति से दोस्ती इसलिए करना चाहता है क्योंकि वह हरा भरा रहकर हमारी सेवा कर सके। तो प्रश्न उत्तर थे जो मैंने करवा दिया। अब आइए बुक पे, सही उत्तर चुनो। मयंक और विनय को पर्यावरण के बारे में किसने बताया था? माँ ने, शिक्षक ने, पर्यावरण ने? तो किसने बताया था? पर्यावरण ने। लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसको काट रहे हैं? जंगलों को। पर्यावरण क्या चाहता है? धरती को हरा भरा रखना। पूरी मानव जाति को मिलकर पर्यावरण को बचाना चाहिए। ये हमारा हो गया। अब आइए भाषा की बात। सर्वनाम शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। पर्यावरण ने कहा, मैं आपका दोस्त हूँ। वे दोनों काफ़ी खुश थे। मेज पर मेरी किताब रखी है। जंगल में हमारा रहना कठिन होगा। आप नाम तो
कई बार सुना है। तो ये क्या हो गया, अब एक लिंग बदलिए, शिक्षक शिक्षिका, बैल गाय शेर शेरनी, सेवक सेविका, राजा रानी श्रीमान श्रीमती जी। एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाए तो उसे शब्द युग्म कहते हैं, जैसे चलते चलते। अब आप नीचे दिए शब्द युग्म को वाक्य में प्रयोग कीजिए। धीरे धीरे, हमें धीरे धीरे भोजन करना चाहिए। तड़प तड़प, जल की कभी होने पर सभी जीव जंतु जल की कभी होने पर सभी जीव जंतु तड़प तड़प कर मर जाएंगे। जल्दी जल्दी सड़क पर जल्दी जल्दी नहीं चलना चाहिए। तो ये यहाँ तक आपका अभ्यास था जो मैंने आपको करवा दिया। आप अपने बुक में इस तरह से इसे कीजिएगा। अब यहाँ आइए, इसे क्या पढ़िए समझिए और सही विराम चिन्ह लगाइए। पूर्ण विराम, सभी जीव जंतु प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। खड़ी पाई, आप कौन है प्रश्न चिन्ह, इसलिए खरगोश। अल्प विराम, भेड़ी बकरी गाय भैंस आदि ऐसे जीव हैं जो घास चरते रहते हैं। तो भेड़ खरगोश के पहले अल्प विराम, भेड़ के पहले बकरी गाय भैंस। विषय बोधक, अरे हमने तो आपका नाम कई बार सुना है। तो आगे चिन्ह लगेगा। अब ये कला कौशल आपको अपने से पढ़ के करना है। तो मैंने आपको आपका अभ्यास करवा दिया है। आप इस तरह से आप प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखवा दिया और बुक में करवा दिया। आप हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।